अस्सलाम वालेकुम जी। आज मेरा दिल था कि मैं कोई वीडियो बनाऊं, तो काफ़ी देर से सोच रहा था कि क्या वीडियो बनाऊं, कुछ माइंड में ही नहीं आ रहा था। तो अभी माइंड में आया है कि दोस्तों को बताऊं कि मैं किस तरह से बैकग्राउंड को चेंज करता हूं और मैंने अपना सिस्टम कहाँ बना रखा है। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने ग्रीन कपड़ा लगा रखा है। अब ग्रीन कपड़े के सामने आ गया हूँ शूटिंग करने के लिए। ग्रीन कपड़े के सामने की गई शूटिंग मैं अपने आप को किसी जगह जाके सेट कर सकता हूँ, किसी वीडियो में, किसी हीरो के साथ, कहीं पे भी। अब आप बड़ी आसानी से देख रहे हैं कि मैंने किस तरह से बैकग्राउंड को चेंज किया है, कैसे मैंने अपनी उसी वीडियो को जंगल में सेट किया है। अब आप लोग देख रहे हैं वही वीडियो है, मैंने बैकग्राउंड ब्लैक लगा दिया है, अपनी वीडियो को यहाँ पे डबल पेस्ट कर दिया है। अब मेरा यहाँ पे डबल पार्ट शो हो रहा है। अब ज़रा यहाँ पे गौर करें, मैंने बैकग्राउंड में अपनी ही पिक्चर डाल दी है जो ऐसा ऐसा आप सबके सामने आ रही है जी। तो आप लोग देख सकते हैं मैं दोबारा उसी ग्रीन कपड़े के सामने वापस चला गया हूँ। अब वही वीडियो है, मैंने इसको 3 बार पेस्ट किया है। अब 3 बार पेस्ट करने के बाद मैंने 2 बार ग्रीन कपड़ा रिमूव कर लिया है, 1 बार रहने दिया है। अब ये देखें, जैसे सेम, यानी कि अंदाज सब सेम ही है, लेकिन उसको पेस्ट मैंने 3 बार किया है। तो दोस्तों, ये वो कमरा है जहाँ पे मैं कभी शूट किया करता था। अब मैंने ग्रीन कपड़ा लगा रखा था एक दीवार के ऊपर, जहाँ पे मैं जाके एक्टिंग करता था। यहाँ पे मेरे टोटल बल्ब्स वगैरह लगे हुए थे, टोटली सिस्टम था। लेकिन अभी हमने इसको स्टोर रूम बना रखा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द जब शुरू करूंगा तो आप सबको दिखाऊंगा कि कैसे मैं इसके सामने एक्टिंग करता हूं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, एक्टिंग को शुरू करने के लिए मेरे पास शुरू में कोई चीज़ें नहीं थी, कोई तजर्बा नहीं था, कुछ भी नहीं था मेरे पास। मुझे तो यहाँ तक मुझे तो सही से किसी के सामने बात करना भी नहीं आता था। अब मैंने, मेरे अंदर एक्टिंग का जुनून तो था, जज्बा था, मोहब्बत थी, तो मैंने एक्टिंग को शुरू करने के लिए एक कपड़ा ले लिया। अब उस कपड़े को मैंने दीवार पे सेट कर दिया, वहीं पे लाइट्स, वहीं पे सब कुछ मैंने सेटिंग कर दी। अब स्टैंड पे मेरा कैमरा लगा होता था, कोई मेरी वीडियो को रिकॉर्ड नहीं करता था, कोई मुझे नहीं बताता था कि तुम कैमरे में कैसे नजर आ रहे हो, क्या कर रहे हो। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैंने काम को चलाया। अब बात करने का मकसद ये है कि हमारे पास कोई अच्छा मोबाइल नहीं है, हमारे पास कोई अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं है। अब बात रही, काफी दोस्त मुझे सवाल करते हैं कहाँ एडिट शूटिंग क्या कहते हैं एडिटिंग करते हो। मैं कंप्यूटर के ऊपर एडिटिंग करता हूँ, मेरे पास सॉफ्टवेयर मौजूद है कंप्यूटर में जिसके ऊपर मैं ये एडिटिंग करता हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि शुरू शुरू में मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैंने कदम बढ़ाया और स्टेप वाइज ऐसा ऐसा मैं आगे बढ़ता गया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं जिस तरह की भी वीडियो एडिटिंग करना चाहूँ, किस तरह की भी एक्टिंग करना चाहूँ, जहाँ जाके शूट करना चाहूँ कर सकता हूँ। कभी जो लोग एक्टिंग का शौक रखते हैं, मोहब्बत करते हैं, उन्होंने हारना नहीं है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।